कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देशन, जिला पंचायत सीईओ राहुल देव के मार्गदर्शन में शल्य चिकित्सा उपरांत सकुशल घर विदाई कार्यक्रम का आयोजन लाइफलाइन एक्सप्रेस शिविर में किया गया। विदाई कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष जगलाल देहाती, जनपद सदस्य फुलबसिया राजवाड़े, सरपंच कुंज नगर मनोज सिंह, उप सरपंच कुंज नगर अज्जू आलम शामिल हुए। आज लाइफलाइन एक्सप्रेस में 60 लोगों की आंख के सफल ऑपरेशन पश्चात विदाई दी गई। उनमें से 50 मरीज सूरजपुर जिले से, 2 मरीज बलरामपुर, 7 मरीज सरगुजा से, 1 मरीज कोरिया जिले के थे। जनपद अध्यक्ष जगलाल देहाती ने विदाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण महंगे इलाज नहीं करा पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने लाइफलाइन एक्सप्रेस के माध्यम से ऐसे परिवारों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। आप जब यहां से घर जाएं तो जरूरतमंद लोगों को प्रेरित कर बताएं कि सूरजपुर जिले में लाइफलाइन एक्सप्रेस के माध्यम से मिलने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। जिला पंचायत सीईओ ने विदाई कार्यक्रम में कहा, आप सबको अच्छा इलाज मिल सके, अच्छी सुविधाएं मिल सके, इसके लिए हम सब ने मिलकर प्रयास किया है। आप सब बुजुर्गों ने हमें सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। हमारे जिला के प्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात की, आपका कुशल क्षेम जाना। उन्होंने बताया किसी व्यक्ति को जो ठीक से देख नहीं सकता, उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी दे दी जाए तो इससे पवित्र कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी ईश्वर से कामना है आप लोग स्वस्थ रहे, निरोग रहे, खुश रहे। शमरोज खान, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।